दोस्तों, आपका स्वागत है आयतन आयत इंटरप्राइजेस में। मेरा नाम है फहीम अंसारी। मैं दामाद गांव में आज आपको पोजीशन का वीडियो बनाने के लिए आया हूं और हमारे सैयदा मोमिन जी का यहां पे वीडियो बनेगा। वो तो है नहीं साथ में, लेकिन यहां पे जो है हम आपको जब तक के अपडेट भी दे देंगे। यहां पे हमारा 1 BHK का रूम है जो कि रेडी हो चुका है और यहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिल जाएगी, फेज 1 और फेज 2 की भी अपडेट मिल जाएगी। तो किस तरीके से हमारा काम हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा रोड बाकायदा आप लोगों को तो पता ही है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है हमारा ये पूरा काम। तो ये रूम जो है हमारा पूरा रेडी है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे ये रूम बना के हमने रेडी कर दिया है ताकि अभी ये एक फाउंडेशन और लगेगा, यहाँ पे एक दो शॉप और बनेगी, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे अभी चेकर लादी जो है हमारी, ये एक लाइन का बचा हुआ और ये एक लाइन की चेकर लादी बची हुई है। फिर उसके बाद में यहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं। ये देखिए आपके सामने, ये पूरा का पूरा, ये भी अभी हमारा ये भी पूरा रेडी हो चुका है, पोजीशन हो चुका है इसका कंप्लीट। ये देखिए, अभी यहाँ से जो है चेकर लादी पूरी जैसे आपको दिख रही है, ये चेकर लादी यहाँ की लग चुकी है और यहाँ की भी चेकर्स लादी पूरी लग के रेडी हो चुकी है। और इसी के अंदर जो है सैयदा मोमिन जी का रूम है। मैं आगे का भी आपको दिखाता हूँ, रूम भी दिखा देता हूँ, रूम तो बाद में, पहले मैं अपडेट दे देता हूँ यहाँ पर क्या क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सारी जगहों पे चेकर्स लादी ऑलमोस्ट लग चुकी है, जैसे आप ये देख रहे हैं। ये देखिए, ये भी चेकर लादी लग गई है, ये भी लग गई। हाँ, हमारे हमारी चाली में जो है नल भी आ गए हैं। ये देखिए, एक नल यहाँ पे लगे हुए, एक नल उधर लगा हुआ है और दूसरा ये भी लाइन में नल लगा हुआ है। तो पहले मैं आने के टाइम बताऊँगा, ये ड्रेनेज लाइन वगैरह टोटल कम्प्लीट हमारी हो चुकी है। अब यहाँ से जो है यहाँ पे आखिरी जो है रूम, ये चाली है, इसके अंदर भी जो है चेकर लादी लग के ये भी फाइनल हो जाएगा। कुछ रूम यहाँ बचे हुए हमारे, ये भी हमारा पूरा फाइनल हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो है रूम का पोजीशन देने के लिए जाएंगे सैयदा मोमिन जी का। और दूसरा ये कि नल लग गया है, पानी का कनेक्शन भी यहाँ पर, ये डायरेक्ट ग्राम पंचायत वाटर भी आ चुका है। सारे कस्टमर लोग जो है अभी यहाँ पर टेंशन फ्री हो चुके हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अभी सैयदा मोमिन जी का आपको रूम दिखा देता हूँ मैं। सैयदा मोमिन जी ने 1 BHK का रूम लिया हुआ है और ये चौल जैसे आप देख रहे हो, इसी के अंदर जो है इनका 1 BHK का रूम है। और ये पूरी चौल जैसे आप देख रहे हो, ये 300 स्क्वायर फीट का मिलेगा। ये इस तरीके से हमारा काम होता है। सोसाइटी में कैसा लग रहा है आप भी देख करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। तो चलते हैं रूम के अंदर, रूम को भी दिखा देता हूँ। सैयदा मोमिन जी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कितना बेहतरीन काम है हमारा। यहाँ से अभी हम लोग रूम को टर्न करेंगे। ये रूम जो है सैयदा मोमिन जी का है। इस रूम के अंदर क्या इन्होंने करवाया है, क्या काम बाकी है, तो वो आपको दिख जाएगा। तो ये जैसे आप देख रहे हो, ये है इनका 1 BHK का रूम। 1 BHK में आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे इनके नीचे की टाइल्स वगैरह टोटल कम्प्लीट करके हमने इनको दिया है। और यहाँ पे लाइट वगैरह जो है अभी इस वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है अपनी लाइट ऑन करते हैं। ये हाफ टाइल्स जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हाफ टाइल्स है, ये कस्टमर को लगा के देते हैं हम लोग। और जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये हॉल है। तो ये हॉल की जो साइज़ होती है कुछ इस तरीके की, ये देखिए, ये हॉल जो है 10x11 का हॉल है इनका, क्योंकि इन्होंने जो है सिंगल टॉयलेट बाथरूम बनाया होगा। या फिर ये देखो, इसके ऊपर कोडमाला है, तो मैं आपको कोडमाला भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर कोडमाले पे टाकी है। ये है हमारा किचन, ये इनका बेडरूम है। बेडरूम की साइज़ भी जो है 10x10 की है पूरी। टोटल ऊपर PVC सीट के साथ में हमने इनको कंप्लीट करके दिया है। लाइट इन्होंने नहीं लगवाया है और यहाँ पे अभी तक के वो रहने भी नहीं आए, काफ़ी टाइम हो चुका है इनके रूम को। अभी यहाँ पर आप हम लोग रूम के अंदर चलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इनका बाथरूम और वो टॉयलेट है और यहाँ पे किचन है, इसके ऊपर कोड माला दिया है। तो ये रूम जो है इनका 1 BHK का है, सिर्फ नल लगाने बाकी है। मेरे ख्याल से नल भी इनका लग जाएगा, पूरा टोटल कंप्लीट काम हो चुका है। हमारे वसीम भाई अजमेर गए हैं इसके लिए, ये नहीं लगा आपको जैसे नज़र आ रहा है। तो ये है इनका 1 BHK का, सैयदा मोमिन जी का। तो ये रूम आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। यहाँ पे आपको काम की एक्टिविटी कैसी लगी आप ये भी बताइए। दूसरा ये है कि हमारे फेज 2 का काम के लिए लोग पूछ रहे हैं। तो अभी हमारे साथ में है हमारे मिस्त्री जी, इधर आ जाइए सहादत भाई। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तो सहादत भाई जो है हमारे, सबसे पहली बात तो ये ही, पूरा यहाँ पे काम करते, थोड़ा उजाले में आएंगे ऐसा। हाँ, तो सहादत भाई सबसे पहला कुछ सवाल।
लोगों के कि फहीम भाई फेज टू का काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है? वो तो अभी थोड़ा बारिश के वजह से नहीं चालू हो रहा है अभी का ठीक है। पहले क्यों नहीं शुरू किया? पहले गांव चला गए थे। क्यों गांव गए थे? गांव गए थे थोड़ा मेरा मुसीबत आ गया था, भाई और पिताजी का डेथ हो गया था। जी इसके लिए मैं इनके भाई और पिताजी की जो है एक साथ एक ही दिन में इंतकाल हुआ था, इसके लिए ये तीन चार महीने गाँव रह गए ना। तीन चार महीने गाँव रह गए और भी कोई मसला नहीं था। इसके बाद और भी दूसरी बात यह है कि वहाँ पे इन्होंने पूरा फाउंडेशन मार के क्या करके रखा है आपने वहाँ? पूरा फाउंडेशन मार के रखा तीन चाली का पूरा फाउंडेशन मार के कंप्लीट करके रखा है। इनको कितना टाइम लगता है अगर आप कंटिन्यू रह जाते तो? चार महीना छह महीने तक पूरा कंप्लीट हो जाता मेरा। हो जाता था, यानी इतनी कंप्लेंट्स लोगों की नहीं आती थी ना। वो सवाल आ रहे लोगों के फहीम भाई अभी तक के काम क्यों नहीं किए, तो शहादत भाई का एक छोटा सा ये प्रॉब्लम था, इसकी वजह से अभी भी एक छोटा सा प्रॉब्लम और है। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही प्रॉब्लम है, अभी क्या प्रॉब्लम है शहादत भाई? ये थोड़ा सा है बारिश का दिक्कत है, बारिश में अभी माल मटेरियल नहीं जाएगा वहाँ। नहीं, अपनी साइड पे चला जाएगा, जाएगा थोड़ा बहुत जो है मसल मटेरियल जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। और तुम्हारा मसला क्या है? मेरा मसला तो कुछ नहीं, थोड़ा यहाँ काम है बाकी, वो बुला पूरा करके। आदमी का आदमी भी बारिश में नहीं आना चाह रहा है। हाँ, कितने आदमी है अभी तुम्हारे पास? मेरे पास अभी आदमी है चार। चार आदमी है, मिस्त्री कितने? मिस्त्री दो है, दो बेगारी है। दो मिस्त्री और दो बेगारी में इनको पूरा टाउनशिप रेडी करना है, कैसे रेडी करेंगे बताओ? मुश्किल हो जाता है। अभी मैं कस्टमर लोगों का जवाब दे दे के इतना थक गया हूँ कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मुश्किल हो जाता है ना, इसलिए बारिश की वजह से। और आदमी को फोन कर रहे हैं तो वो भी नहीं आ रहा है, बोलता है बारिश बाद ही जाएंगे। लेकिन बारिश में आपको ये काम शुरू करके मुझे देना पड़ेगा यहाँ का फेज टू का। हो जाएगा, काम शुरू करके दो ताकि जिनका जिनका पोजीशन है मैं उनको दे सकूँ। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, काम के लिए ना नहीं करो, और ताकि मैं कस्टमर लोगों को जो बोल रहा हूँ ये वो सुन रहे हैं जो मेरी बातें हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैं भी थक गया उनको जवाब देते देते कि क्या होता है एक्चुअली में। क्या उनको लगता है कि फहीम भाई ने जानबूझ के काम तो नहीं रोका है? जानबूझ के नहीं रोका, नहीं, हम अपने से रुके। जी, तो इस तरीके से ये छोटा सा अपडेट मैंने जो दिया है शहादत भाई के साथ में। देखो, हादसे भूल के नहीं होते दोस्तों, लेकिन इनके साथ में जो हादसा हुआ वो मेरे को भी बहुत दुख है, और आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दूसरे का घर अपना घर एक ही बात होती है। तो हमारे शहादत भाई ने बड़ी मेहनत से, जैसे कि आपने ये पूरी चौल देखा यहाँ पे, ये इनकी पूरी मेहनत और लगन के साथ में यहाँ पे काम हुआ है। इनको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए कि कमेंट्स में जाके कि इनकी पूरी मेहनत है जो इन्होंने लगातार यहाँ पे दिन और रात एक करके ये पूरा एक काम करके लिया है। भले पैसा लिया है लेकिन हर एक चीज़ों को, छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान किसने रखा है? हमारे शहादत भाई ने। सही है ना शहादत भाई? और शहादत भाई, हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं। क्या हमने जानबूझ के आपको बोला काम मत करो? नहीं, हमने कुछ नहीं बोला है, शहादत भाई की तकलीफ थी इसके लिए। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी अपडेट, हमारे फेस टू का भी आपको अपडेट मिल जाएगा। आप लोग जो है वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।